हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है अज दी क्लास। आपां कर रहे सी फोर्थ क्लास दी मैथ्स दी बुक ते उहदा 10th चैप्टर करन जा रहे हां पैटर्नस बारे। इहदे विच आपां की-की सिखांगे, की-की ऑब्जेक्टिव्स ने टू एनेबल द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियां नूं समर्थ बनाउणा किहड़े-किहड़े काम लई। नंबर 1, टू प्रिपेयर पैटर्नस रिलेटेड टू डिविजन एंड मल्टीपल्स ऑफ 9, यानी कि 9 दे भाग ते नाल दी नाल डिवीजन दे पैटर्न्स बनाउणा। ए मैं तुहानू दस्सांगी वी किवें बनाए जांदे ने। सेकंड, टू प्रिपेयर पैटर्न्स ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 एंड 100, 10 ते 100 दे डिवीजन भाग ते आपां कह सकदे हां मल्टीप्लीकेशन दे गुणा दे पैटर्न बनाउणा। थर्ड, स्टूडेंट्स विल बी टॉट अबाउट सिमेट्री, विद्यार्थियों नू किवें सिमिट्री हुंदी है, यानी कि किवें कायदे दे विच पैटर्न बनाए जांदे ने ते सिमिट्री रहे, यानी इक्को जहे रहे, ओ सिखाया जाएगा। एंड दे विल बी एबल टू ड्रॉ सिमिट्रिकल लाइंस बाय डिफरेंट मेथड्स, ते इक्को जहियां लकीरां बनाए ओ सिखणगे किवें बनाइयां जांदियां ने। फोर्थ, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, पैटर्न्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय डूइंग एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, ते इस विषय दे विच रुचि पैदा करन दे लई बच्चियां नू पैटर्न सिखाई जानगे एडिशन, यानी कि ऐड करके, प्लस करके ते सबट्रैक्शन ऑफ नंबर्स ते। चलो, इत्थे अध्यापक कह रहे ने, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट पैटर्न्स, ते अपनियां पुरानियां क्लासां विच वी आपां पैटर्न्स बारे काफी ज्ञान लिया है, पढ़िया है। वी ऑब्जर्व दैट फॉर डिफरेंट पैटर्न्स सम रूल हैज बीन फॉलोड, ते असी देखे कि वक् वक् पैटर्न लई कोई ना कोई नियम की पालना की जाती है या की गई होंगी है। नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल प्रैक्टिस सम मोर पैटर्न्स, ते अज इस चैप्टर दे विच, इस भाग दे विच असी कुछ होर पैटर्न बारे भी अभ्यास करांगे ते प्रैक्टिस करांगे। इक्को गल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट सम पिक्चर पैटर्न्स, ते सब तो पहला असी कुछ चर्चा करांगे कुछ तस्वीरां दे पैटर्न्स बारे। जिवें इत्थे पैटर्न दिते हुए हैं, आ देखो मछली दे, ए मछली, फिर मछली, मछली पैटर्न हैगा भी मछली बनाई हुई है। सेकंड, ए पैटर्न हैगा इत्थे दस्सिया सी फर्स्ट पैटर्न दे विच, इन दिस पैटर्न वी ऑब्जर्व ऑल फिशेस आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, उत्ते जे तुसी देखो सारी दी सारी मछलियां इधर वल नू जा रहीआं ने। ठीक है, हुण चलदे आ सेकंड पैटर्न वल। द पैटर्न हैज बीन फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एन एरो मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज हुंदा जिवें घड़ी चलदी है इधर नू, 1, 2, 3 इधर वे। हुण इत्थे एरो बनाए गए ने ते क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच बनाए गए ने। आ देखो, पहला उपर नू, फिर राइट नू, फिर थल, पहला उपर, फिर इधर नू, फिर थल्ले नू, फिर इधर नू, फिर उपर, फिर इधर, जिवें क्लॉक चलदी है। मैं फिर तो दस रही हां, मान लो थोड़ी एक घड़ी हैगी है, पहला इत्थे, फिर इत्थे, फिर ए वाला एरो, फिर ए वाला उपर, फिर 3 बजे का एरो, फिर 6 बजे का, फिर 9 बजे का, फिर 12 बजे का, फिर 3 बजे का। ठीक है, समझ गए पैटर्न हैगा। एक्टिविटीज ऑन नंबर 9, हुण 9 नंबर ते आपां एक्टिविटीज सिखांगे। थिंक अबाउट टेबल ऑफ 9, हुण टेबल लिखिया होया इत्थे 9 दा। लेट अस डू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9, हुण 9 दा टेबल याद करन दा एक होर तरीका हैगा, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 9 ones are ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਖੋ ਅਜੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਓ 9 ones are is equal to 9 multiplied by 2 equal to, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੱਕ, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ਫਿਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਟੈਪ 1, 0 ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਐਡ 1 to 8 ਰਾਈਟ ਬਿਲੋ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 9 ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ,
जीरो तो लेके फिर नाइन तक लिखना शुरू करना है। फाइनली वी गेट अ न्यू कॉलम ऑफ नंबर्स, ऐदा करके थोड़े को नौ का टेबल आ जाएगा, सीधी काउंटिंग ते इधर नू पुट्ठी काउंटिंग। 10.2.1 दे विच दस्या है सम मोर पैटर्न्स यूजिंग टेबल 9, नौ का टेबल यूज करके कुछ होर पैटर्न भी आपां बनावांगे। विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 9 वी विल फॉर्म सम मोर पैटर्न्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि नौ दे टेबल दी मदद दे नाल आपां मल्टीप्लीकेशन भाग दे कुछ होर पैटर्न्स भी बनावांगे। टीचर विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू फाइंड पैटर्न्स and ask the students to find some more patterns. हुने pattern की है देखते हैं। देखो 9, 6 are 54, जे तुसी 9 दा table देखोंगे, एथे थोनू दिस जेगा कि 9, 6 are 54, 9 नू 6 दे नाल multiply करो, 5 दे 4 आ जेगा। अगला उन्होंने की किता है थे 9 नाली multiply करना है, पर 6 दी थां थे 66, यानी कि एक और 6 आ गया। हुन answer की आएगा, 5 ते 4 दे विच एक 9 आ गया, 6 वदन दे नाल एथे एक 9 विचकार आ गया। देखो उवे ही जे एक होर 6 वज जांदा है तां 2 9 आ गए, जे एक होर 6 वज जांदा यानी जिन्ने 6 होणगे उहनां तों एक घट 9 आएगा विच, एथे एक 6 सी बिल्कुल भी 0 9 आएंगे, भी कोई भी 9 नहीं आएगा। एथे 2 6 हैगे ने, एक आएगा 9, 3 6 हैगे ने, 2, 4 6 हैगे ने, 3, 5 6 हैगे ने, ता 4 9 विचकार आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखियो उवे करके तुसी पैटर्न बना सकते हो। नाउ वी प्रिपेयर पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद द टेबल ऑफ 9, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न। हुन 9 दे टेबल दे विच एक होर पैटर्न, अजे आपा 6 दे नाल मल्टीप्लाई करके कीता सी, हुन मान लो 111 दे नाल मल्टीप्लाई कीता तां आ गया 0999। जे 222 दे नाल मल्टीप्लाई कीता तां की हो गया, आ देखो एक पहला नंबर इस तो ते एक 9 दा अगला नंबर आ गया। पैटर्न देखो एथे जे तुसी मल्टीप्लाई करदे जाओगे 111 222 333 444 555 666 ते 777 आ गया, विचकार तां तुहाडे 99 आ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, इत्थे काउंटिंग चल रही है सिद्धी, इत्थे चल रही है पुट्ठी, 0 1 2 3 4 5, इत्थे आ जूगा 6 जे 9 दे नाल मल्टीप्लाई कीता 777 नूं, ते इत्थे चल रही है पुट्ठी काउंटिंग 9 8 7 6 5 4, इत्थे आ जूगा 3। हुण जे तुहानूं समझ आ गया तां तुसी मैनूं दस्सो वी 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 8 8 की होगा। हुन आपां अगे चलते हैं, मल्टीपल ऑफ 9, 9 दे मल्टीपल बनाउने हैं। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। कहन दा मतलब ए हैगा, मान लो ए नंबर दित्ता है थानू, जे ए डिजिट्स नू आपां ऐड कर दिंदे हैं, 2 + 1 + 4 + 2, ए 9 आ गया। ए जिहड़ा 9 हैगा ए 9 दे टेबल दे विच आंदा है, यानी कि ए नंबर 9 दे नाल डिवाइड हो जूगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचूगा। आपां डिवाइड करके देख लैने आ, इत्थे 9 2 = 18 माइनस कीता 34 आ गया 4 थल्ले, 9 3 = 27 टेबल साइड ते लिख जरूर लियो, फिर बच गए इत्थे रिमाइंडर 7 बच गया, 2 थल्ले आ गया, 9 8 = 72 यानी कि ए साडे कोल आंसर आ गया 238। ओवे ही जे आपा चेक करना है इस द नंबर ए वाला नंबर मल्टीपल ऑफ 9 9 दे नाल डिवाइड हो जूगा कि नहीं, ओदे लिए आपा की करांगे, इना नु ऐड कर दांगे नंबर्स नु, 9 + 1 + 9 + 8, 9 + 1 हो गया 10, 10 + 9 हो गया 19, 19 दे विच 8 ऐड कर दो, 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 आ गया। ए ता 9 दे टेबल दे विच आंदा है, 9 3 = हुंदा है 27। एक ता ए तरीका है, दूजा तरीका इन्होंने एक होर दस्या है,
फर्स्ट ऑफ ऑल ओमिट 9 फ्रॉम द गिवन नंबर, ये जो नंबर हैगा इन्हें विचो 9 हटा दियो। आपा हटाता रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर, हुन केड़े नंबर दे डिजिट्स बच गए, 1 ते 8 बच गया। हुन इन्हां नू ऐड करो, ऐड करके आंसर आ गया 9। हुन सानू पता है भी जेड़े नंबर आपा ऐड किते ने ओमिट करके 9 नू भुला के, नाउ देयर विल बी नो डिजिट लेफ्ट। साडे कोल जेड़ा नंबर आ रहा है वो आ रहा है 9, ते 9 जेड़ा हैगा वो तो 9 दा मल्टीपल है ही है। तुसी आम भी करके देख सकते हो, सारे नंबर्स नू ऐड करके जेड़ा नंबर आ रहा है, जे तां वो 9 दे नाल डिवाइड हो रहा है तां वो नंबर 9 दा मल्टीपल हैगा। उवे ही ए वाला नंबर चेक करना है भी ये मल्टीपल हैगा है 9 दा कि नहीं। सौखा तरीका ए हैगा भी सारे नंबर्स नू ऐड कर दो, 2 + 5 + 7 + 4 ऐड करके देख लेने हैं किन्ना आंसर आ रहा है। 5 + 2 हो गया 7, 7 + 7 = 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 + 4 = 15, 16, 17, 18, 9 दे टेबल दे विच आंदा है, 9 2 = 18 हुंदा, यानी कि ए नंबर मल्टीपल हैगा 9 दा, 9 दे नाल डिवाइड हो जूगा। ठीक है, अगे थर्ड एग्जांपल दे विच उही गल पूछी गई है, या तो तुसी 9 नू हटा के ऐड कर लो ते देख लो भी वो 9 दे नाल डिवाइड हुंदा या नहीं, या 9 दे टेबल दे विच आंदा या नहीं। दूजा तरीका आम सारे नंबरां नू ऐड करके देख लो, जिवें 9 + 2 + 3 + 4, 9 + 2 = 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ता आंदा है 9 दे टेबल दे विच, यानी कि ये मल्टीपल हैगा है 9 दा। दूजा तरीका इनू करन दा, इस नंबर दे विच 9 आंदा है, 9 ता 9 दे नाल डिवाइड हो जूगा, बाकियां नू ऐड करके देख लो, 4 + 3 + 2, 4 + 3 = 5, 6, 7, 8, 9, 9 ता 9 दे टेबल दे विच आंदा ही है, यानी कि ये नंबर मल्टीपल हैगा 9 दा। ए हुन तुसी चेक करके देखो, 4 + 5 + 7 + 3, 7 + 3 = 8, 9, 10 + 5 = 15, 15 + 4 = 16, 17, 18, 19, ये आ रहे 19 ऐड करके, 19 9 दे टेबल दे नहीं आंदा, यानी कि ए की ए नंबर मल्टीपल नहीं हैगा 9 दा, 9 दे टेबल दे 18 आंदा है। ठीक है, अगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन यूजिंग 10 and 100, 10 ते 100 दी मल्टीप्लीकेशन ते डिविजन किवें हुंदी है ओ देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन विद 10 इज ईजी, हुन 10 दे नाल मल्टीप्लीकेशन इन्नी सौखी है, किसी भी नंबर नू 10 दे नाल मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर दे पिछे एक जीरो लग जाता है, जस्ट पुट ऑन द राइट द सिंगल डिजिट जीरो, इत्थे राइट साइड ते जीरो ऐड कर दो। You can check it by doing its multiplication and become a hero. तुसी उदा multiply करके भी देख सकते हो ते hero बन सकते हो। जिवें 2 zeros are 0, 2 ones are 2. ओही गल एथे दसी गई है, जे 100 नाल multiply करना है तो पिछे 2 zero ला दो। जे 1000 नाल multiply करना है 2 नू ते पिछे 19 zero ला दो जिन्ने लगे हुए हैं 1, 2, 3. ए हो गई multiplication. 6 नू 10 दे नाल मल्टीप्लाई कीता 1 जीरो है, 1 जीरो आ गया। 10 नू 10 दे नाल मल्टीप्लाई कीता किन्ने जीरो ने पिछे, 2, 2 जीरो आ गए। 6 नू 100 दे नाल मल्टीप्लाई कीता 600, 10 नू 100 दे नाल किन्ने जीरो ने पिछे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ए आ गया आंसर। हुन आपां डिविजन सिखांगे, डिविजन दे विच जिवें इत्थे कहा है 10 दे विच डिवाइड करांगे किसी भी नंबर नू, जिवें 200 डिवाइडेड बाय 10। हुन देखो एक जीरो दे नाल चला जूगा ते साडे कोल नंबर केड़ा बच गया 20। उवे ही आ देखो 200 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो इत्थे ने एंड दे विच, 2 जीरो इत्थे ने, नंबर बच गया साडे कोल 2। उवे ही 1000 नू डिवाइड कीता 10 दे नाल, एक जीरो गया, एक जीरो दे नाल बच गया 100। 1000 नू डिवाइड कीता 100 दे नाल, 2 जीरो नाल 2 जीरो गए, बच गया 10। हुन तुसी मैनू दसो जे एनू
डिवाइड करोगे 100 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਵਰ ਆਫ ਦ ਨੰਬਰ, ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਪੈਟਰਨ ਬਾਈ ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਦ ਨੰਬਰਸ ਲਾਈਕ ਅ ਟਾਵਰ। ਇਹਦਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ 3, 4 ਤੇ 5, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 7 ਤੇ 9, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 16। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? 3 + 4 ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 7, 4 + 5 ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 9, 7 + 9 ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 16। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜੂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਟਰਨਸ ਫਰੋਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜੋੜੀ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ 3 ਕੰਜ਼ੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 4, 5, 6, ਜਿਵੇਂ 7, 8, 9, 10, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1 + 2 + 3, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ 6 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 2 + 3 + 4, ਅਗਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਦਿਓ, 9 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 3-3 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 3 + ਅਗਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ 3 ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿਓ, 12। ਉਵੇਂ ਹੀ 4 + 5 + 6, 3 ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਦਿਓ, 12 + 3, 13, 14, 15। 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, 5 + 6 + 7, ਫਿਰ 3 ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਦਿਓ, 15 + 3, 16, 17, 18। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਲ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3, ਇਹ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਗੇ 3। 4 ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ, ਜੇ 3 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, 1 + 2 + 3 + 4, 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4 ਦਾ ਗੈਪ ਪਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, 4-4 ਦਾ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਬਾਈ 4, 4 ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਦ ਸਮ ਆਫ 2 ਮਿਡਲ ਨੰਬਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ 4 + 5, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 9, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 9 + 9, 18 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2 + 3, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 5, ਤੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ 3 + 4, 7, 7 × 2 = 14, ਡਬਲ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 2 or 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡਿੰਗ ਵਿਦ 5, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਜਾਂ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਦੇ, ਏ ਤੇ ਏ, 2 ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ 1, 2, 1, 2, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 5 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਚਕਾਰ ਲਕੀਰ ਮਾਰੋ, ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 5 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 × 5 = 25 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 1, 1 ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਦਾ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 2, 1 × 2 = 2, ਤੇ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 225। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 5 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 35 × 35, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, 5 × 5 = 25। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਹੈਗਾ, 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, 12, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1225। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 45 × 45, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, 5 × 5 = 25, 4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, 4 × 5 = 20,
ए आंसर आ जाएगा 2025। हुन इत्थे समझाया भी मान लो दो डिजिट्स दी थां ते जिवें इत्थे दो डिजिट्स सी तीन डिजिट्स आ जाण, पर पहले दो डिजिट्स जिहड़े हैगे ने उह सेम हैगे ने 11 ते 11, तां उदां ही करना है। सेम तरीका हैगा 5 ते 5 नूं अलग मल्टीप्लाई कर लो, इत्थे हैगा 11, 11 नूं मल्टीप्लाई करो उहदे अगले नंबर दे नाल 12 दे नाल, आंसर आ गया 13225। ए तुसी ट्राई करके देखियो अपनी कॉपी दे विच। ते ए सी अज दी क्लास। हुण तुसी ए सारे पैटर्न जो आपां पढ़े आ जरूर रिवाइज कर लियो। हुण आपां अगली क्लास दे विच मिलांगे, तद तक टेक केयर, बाय बाय।